गजल सम्राट जगजीत सिंह भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज का जादुई रिश्ता आज भी रगों में ताजगी भर देता है। गजल के शहंशाह ने आज ही के दिन साल 2011 में दुनिया को अलविदा कह दिया था, मगर उनके गाए नगमे हर सदी में याद किए जाएंगे। एक ऐसी आवाज जिसने पूरी दुनिया को इश्क और जुदाई के खूबसूरत एहसास से मिलवाया है, एक ऐसी आवाज जिसकी तह में कोई अंजाम कसक सांस लेती है, एक ऐसी आवाज जो हर दर्द की तजुर्मानी करने की सलाहियत रखती है। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस रोशनी से ये जहां हमेशा चमकता रहेगा। जगजीत सिंह ने 150 से ज्यादा एल्बम्स बनाई थी, फिल्मों में गाने भी गाए, लेकिन गजल और नज्म के लिए वो विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। 70 का दशक जगजीत सिंह के लिए बेहतर रहा। इसी दशक में उनकी पहली एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स रिलीज हुई। द अनफॉरगेटेबल्स की सफलता के बाद जगजीत चित्रा की जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ से इस जोड़ी ने फिल्मों में एक के बाद एक हिट कई गाने दिए। जगजीत सिंह के जाने के बाद चित्रा सिंह इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली रह गईं। उनकी पुण्यतिथि पर पत्नी चित्रा सिंह ने उन्हें याद कर कहा, आज ही के दिन जगजीत सिंह हम सबसे दूर चले गए थे। दुनिया ने आला दर्जे का संगीतकार और उतना ही अद्भुत इंसान खो दिया। दुनिया भले ही उन्हें सिर्फ एक गायक और संगीतकार के रूप से जानती है, लेकिन वह एक ऐसे इंसान थे जिनमें ईमानदारी, समर्पण, आध्यात्मिक चेतना थी। वह बिना शर्त प्यार करने वालों में से थे ही नहीं। जगजीत सिंह ने हिंदी सिनेमा को बेहतरीन गानों और गजलों से नवाजा है। एक दिन वो किसी कार्यक्रम में गा रहे थे, दर्द से मेरा दामन भर दे। वो गा रहे थे और गाते गाते रोते जा रहे थे। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी दिल से जुड़े होते हैं तो उसके साथ बुरे होने का एहसास आपको पहले हो जाता है। तो जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म हुआ, उनके इकलौते जवान बेटे की मौत की खबर आई। किसी भी बाप के लिए अपने बेटे की अर्थी उठाने से बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। उनकी पत्नी चित्रा सिंह को तो इतना सदमा पहुंचा कि इन्होंने उसके बाद से गाना ही छोड़ दिया। इस दंपति ने अपना आखिरी संयुक्त एल्बम समवन समवेयर पेश किया और उसके बाद से जगजीत केवल अकेले गा रहे थे। सन 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत में जगजीत सिंह ने न केवल मशहूर गीतकार इंदिवर के लिखे गीतों को संगीत दिया, बल्कि एक गीत को आवाज भी दी। वो गीत था होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। जगजीत सिंह की बेहतरीन आवाज पाकर ये गीत वाकई में अमर हो गया। सन 1982 में साथ साथ फिल्म में भी जगजीत सिंह की आवाज का जादू देखने को मिला। जावेद अख्तर के कमल से निकली गजल तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जगजीत की आवाज में ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी है। जगजीत सिंह की लोकप्रियता बरकरार थी, लेकिन उम्र बढ़ती गई। डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं थे। उनकी ख्वाहिश थी कि 70 साल की उम्र में 70 कॉन्सर्ट्स करेंगे, लेकिन वो नहीं माने। यहाँ वहाँ इधर उधर के कार्यक्रम चलते गए। फिर एक दिन खबर आई कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया है। कुछ हफ्ते वो अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ते रहे और फिर वही हुआ जिसका सभी को डर था। यही 10 अक्टूबर की तारीख थी जब साल 2011 में उनकी मृत्यु हुई, और इसी के साथ भारतीय गजल की दुनिया में जो शून्य व्याप्त हुआ, उसकी भरपाई अब तक नहीं हो सकी। मीडिया दरबार की पूरी टीम की तरफ से जगजीत सिंह को उनके 10वें पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि।